कई वर्ष थे, आपने माँ इल्याशु महापुराण की कथा का वाचन किया था जब हमारी बहू को सोनोग्राफी हुई। संतान का सुख नहीं था, पर बाबा की कृपा से पशुपति व्रत के माध्यम से शिव कृपा ऐसी हुई कि बाबा की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया और शिव पुराण की कथा सुनते सुनते ही बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि उसकी सोनोग्राफी हुई। तो उसमें पहले तो बच्चे नहीं थे और दूसरा बाबा ने जब कृपा करी तो बहू ने भी पशुपति व्रत धारण करा। आप ही ने पत्र लिखा है, पशुपति व्रत धारण करा और एक बार संतान नहीं हुई, दूसरी बार करा, दूसरी बार नहीं हुई, तीसरी बार करा। व्रत करने के बाद में हमको क्या मालूम था कि तीन व्रत का तीन फल हमको मिल जाएगा और एक संतान की जगह तीन संतान बाबा ने गर्भ में दे। तीनों बच्चे आए हैं क्या? तीनों बच्चे आए हैं? अरे बोलो तो, बच्चे आए हैं क्या? ये तीन बच्चे बाबा शिव की कृपा से प्राप्त हुए, भगवान शंकर की करुणा से प्राप्त हुए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। अगर तीनों बच्चे आए हैं तो उनको ऊपर भेज दो, अगर आए हो तो, और नहीं तो बाबा देवाधिदेव महादेव ने जो दिया है तीन फुलवारी आपको दी हैं, तीनों बच्चों के फोटो यहाँ आस्था चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदारता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। पूजा शर्मा जिला देवास के विश्वकर्मा नगर में रहने वाली हूं, कहीं बेटी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं पूजा? दोनों हाथ हिला दो बेटा। हर हर महादेव। दिनांक 14 जनवरी सन 2022 को मैं सिटी हॉस्पिटल देवास में ब्लड कैंसर